क्या ये बसंत, इसमें भी 1,16,000 का ओवरटाइम दे दिया तुमने। सर ओवरटाइम बनता है तो देना पड़ता है। बाइक का नंबर क्या है? MH XX 342A। वैशाली, तुम्हारे पति राकेश सिन्हा करते क्या? इंजीनियरिंग वर्कशॉप है, उनकी अपनी फैक्ट्री यूनिट है। क्या बात कर रहे हैं आप? जितना पुराना रिश्ता है ना हमारा, उतना ही पुराना रेट है। केडीएस साहब, आप चिंता मत कीजिए, आज शाम तक आपका ऑर्डर आपके गोडाउन में पहुंच जाएगा। थैंक यू। काला नंबर 12/330 चित्रे इंडस्ट्रियल एस्टेट वसई जी। बिजनेस में किसी के साथ कोई दुश्मनी या फिर कोई धमकी वगैरह? नहीं मैम, मुझे तो कभी कुछ बताया नहीं। कोई लोन या फिर कोई बड़ा घाटा? बिल्कुल नहीं मैम, उल्टा काफी अच्छा चल रहा है उनका। अभी हमारी 5वीं एनिवर्सरी के लिए आपने ज्वेलरी बनाई, साड़ियां भी खरीदी। ये बताओ, ये सोने का हार तुम्हें पसंद तो आया ना? क्या राकेश रोज इतने सुबह ही अपने वर्कशॉप चले जाते हैं? नहीं, ज्यादातर सुबह 9 बजे निकलते और शाम को 5 बजे तक लौट आते हैं। लेकिन कल रात एक फोन आया था। नहीं, तुम कल सुबह 7 बजे ऑफिस में मिला मुझे, कोई अगर मगर नहीं सुनूंगा, आ जाना चुपचाप। किससे बात हो रही थी? ये मुझे नहीं पता, लेकिन राकेश बहुत टेंशन में लग रहे थे। क्या हुआ, सब ठीक तो है ना? सुबह 7 बजे ऑफिस के लिए निकलूंगा मैं, नाश्ता करके जाऊंगा। क्या हुआ राकेश? हेलो बॉबी, राकेश कहाँ है? हेलो असलम भाई, राकेश है वहाँ? राजू तेरे राकेश साहब से बात करो जरा। शैलेश, राकेश का फोन ऑफ है क्या? सब कह रहे थे कि उस दिन राकेश वर्कशॉप आए ही नहीं, ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। मैं देखिए, हमने ऐसे भी केसेस देखे जहाँ पर इंसान काम से बाहर चला जाता है, उसका फोन खराब हो जाता है या स्विच ऑफ हो जाता है। अभी तो सिर्फ 9 बजे, शायद देर रात तक लौट आए। हम अपनी तरफ से काम शुरू करें, कुछ खबर मिलती है आपको बता देंगे। ओके मैम। सर राकेश की CDR मंगवाई है और उसके बाइक के लिए लुकआउट जारी किया है। अपहरण? उसकी वाइफ कह रही थी सब अच्छा चल रहा है, ज्वेलरी पे ज्वेलरी खरीदी जा रही थी। और छोटे व्यापारियों का किडनैपिंग का सीजन भी चल रहा है इस वक्त। अरे अरे कौन है? अरे क्या चीज़ है? कहाँ ले जा रहा है मुझे? लेकिन सर जनरली ऐसे केसेस में किडनैपिंग के तुरंत बाद फिरौती का कॉल आता है। शायद अब आ जाए। स्वाति, राकेश का लैंडलाइन नंबर टैप करो और उसके घर पे सर्वेलेंस लगा दो। सर नंबर 2, हत्या, कोई पुरानी दुश्मनी या कोई पुराना प्यार? फरार? जर जरूर जमीन का कोई मसला होगा, शायद ये किसी से भाग रहा हो या इसी ने किसी को मार डाला हो और फिर फरार हो गया हो। देखो किसी भी सूरत में मुझे कॉल मत करना। हाँ हाँ, अब तुम निकलो वरना गाड़ी छूट जाएगी। हो सकता है वाइफ भी राकेश के भागने में शामिल हो और हमारे सामने एक्टिंग कर रही हो। इस वैशाली की भी हिस्ट्री निकालो। आत्महत्या? लेकिन सर कोई हिंट नहीं छोड़ा है, ना कोई मैसेज और ना ही कोई लेटर। शायद जोश में आकर एकदम से कर बैठा हो। खबरियों से कहकर सारी पर्सनल डिटेल्स निकलवाती हूँ। ऑफिस में जाकर जितने भी लोग हैं सबसे बात करो और हर एक का स्टेटमेंट रिकॉर्ड करो। सर जवान आदमी, बिजनेस अच्छा चल रहा है, खूबसूरत पत्नी, आत्महत्या का एंगल मुझे सबसे वीकेस्ट लगता है। स्वाति, कुछ पिंजरे ऐसे होते हैं जो दिखाई नहीं देते, सिर्फ उस पंछी को पता होता है कि उस पर क्या बीत रही है। क्या राकेश सिन्हा किसी ऐसे पिंजरे में कैद था जिससे निकलने का रास्ता सिर्फ आत्महत्या थी? और क्या सिर्फ राकेश पिंजरे में कैद था या और भी लोग थे जो अपने अपने पिंजरों में तड़प रहे थे?
दादू ईएमआई मैं भर दूंगा जॉब करके, आप सिर्फ डाउन पेमेंट कर दीजिए। अरे मेरी स्कूटर फ्री में दे रहा हूँ ना, लेके जा जा। अरे दादू 30 साल पुरानी स्कूटर है, वो भी आपने सेकंड हैंड खरीदी थी, इससे तुम्हें कॉलेज में क्या, इस टूटे फूटे घर के कमरे से दूसरे कमरे में ना लेके जाओ। सब बैठे बैठे मिल रहा है ना, इसलिए कदर नहीं तुझे ओमकार। तुझे मालूम है ना ये घर तुझे मिलने वाला है, फिर भी उसे टूटा फूटा कह रहा है। इससे तो मैं घर ही ना बोलूं, पिंजरा है पिंजरा। लेकिन सुमित बिना नौकरी में मुंबई में क्या करोगे? सांस लेंगे अम्मा, यहाँ पटना में दम घुटता है हमारा, चलते हम। मैडम मैं राकेश सिन्हा का मैनेजर हूँ। मैम मेरा नाम बॉबी पिंटू है, ये राजू माने, शैलेश कोटियान और असलम दलवाई, ये हमारे परमानेंट वर्कर्स हैं। बाकी कुछ कारीगर हैं जो डेली वेजेस पे काम करते हैं, और ड्राइवर वगैरह तो कॉन्ट्रैक्ट पे हैं। आपका परमानेंट स्टाफ इतना ही है? नहीं मैम, हमारे अकाउंटेंट है वसंत प्रधान जी, जो आज आए नहीं है। क्यों? उनका मैसेज आया था, उनकी तबीयत खराब है। और कल आप में से किसी ने भी आपके बॉस राकेश सिन्हा को नहीं देखा? नहीं मैम। ठीक है, अब सभी लोग अपना नाम, घर का पता और नंबर इस हवलदार साहब के पास लिखवाएंगे। बॉबी क्या कोई माजरा था? राकेश घर से टेंशन में निकला था। मैम घर का कुछ हो तो पता नहीं, बाकी बॉस को ऑफिस में कुछ कॉस्ट कंट्रोल को लेके परेशानी थी, 2-3 महीने से कुछ ओवर टाइम का इशू था, बाकी ये सब तो हर कारखाने में होता है। मैडम राजू मानू कुछ कह रहा है। हाँ बोलो। कल जब मैं काम पे आ रहा था ना, तो हमारे अकाउंटेंट साहब दिखे थे मुझे, उनकी तबीयत तो बिल्कुल ठीक थी, लेकिन बहुत ज्यादा गुस्से में और परेशान लग रहे थे। और प्रधान साहब क्या हालचाल? ये ऑफिस जाने के बजाय यहाँ का बैठे हो आप? अरे बाहर में गया ऑफिस। क्या हुआ? नौकरी छोड़ दी मैंने, अभी जो होगा वो देखा जाएगा। देखो भाई प्रधान साहब, ये एकदम अचानक से क्या हुआ? क्या बात है, क्या हुआ? एक बात सुन ले, दूसरों का खून चूसे बगैर कोई अमीर नहीं बन सकता, कोई नहीं बन सकता। ये बात तूने मुझे पहले क्यों नहीं बताई? सर मुझे लगा कि ऐसे टेंशन में बोला होगा, और वैसे भी उन्हें बीपी की तकलीफ है। बॉबी ये वसंत प्रधान रहते का है? कुछ पता चला मेरे पति का? अभी तक तो नहीं, लेकिन हम लोग यही पता करने में लगे हुए हैं। हम आपके लैंडलाइन की टेपिंग के लिए आए हैं, अगर किडनैपिंग हुई है तो फिरौती के लिए कॉल कभी भी आ सकता है। अंदर आ जाए हम लोग। जी जी आइए। वसंत प्रधान, तुमने राजू से राकेश सिन्हा के यहाँ की नौकरी छोड़ने की बात की थी? हाँ बोला था, राजू से बोला था, और ये सच भी है, मैंने नौकरी छोड़ भी दी। कब और क्यों? परसों रात को मेरी तबीयत सच में डाउन थी, बीपी हाई था, तो रात को राकेश सर का फोन आया था। राकेश सर मैं कल छुट्टी लेना चाहता हूँ, मेरी तबीयत ठीक नहीं है। नहीं, तुम कल सुबह 7 बजे ऑफिस में मिला मुझे, आ जाना चुपचाप। सर मैं दूसरे दिन यानी कल सुबह 6:55 को ही मैं जब ऑफिस पहुंचा, राकेश सर पहले आ चुके थे, और मुझे पहले से मालूम था कि उन्हें किस बात का गुस्सा था। कितना कट मिलता है तुझे? क्या कह रहे हैं सर आप? बरोमत, तुमने मुझसे इंक्रीमेंट मांगा था, मैंने कहा था दिवाली तक रुक जाओ बस, लेकिन नहीं, ऐसे पैसे कमाओगे तुम? कोई वर्कर आधा घंटा एक्स्ट्रा काम करता है तो उसकी आधी शिफ्ट का ओवर टाइम लगा दोगे? कितना कट मिलता है तुम्हें ओवर टाइम का आधा? अरे सर अगर मैं चोरी चपाटी घपलेबाजी करता ना, तो आज आपके जैसा ऐसा फैक्ट्री का मालिक बन गया होता। मतलब क्या तेरा? मैं फ्रॉड करता हूँ? अरे खून चूसते हो तुम गरीबों का। अकाउंट संभालता है ना तुम, खुद ही अपना हिसाब क्लियर कर, कल से आने की जरूरत नहीं। आउट। हाँ ठीक है, जा रहा हूँ, वैसे भी मैं नहीं आने वाला था राकेश सिन्हा। आउट। अरे जा रहा हूँ। क्या किया राकेश के साथ? मैं राकेश के साथ क्या करूंगा, और उसके साथ कुछ हुआ नहीं है, साले ने मार्केट से बिजनेस के नाम पे पैसा उठाया होगा, खर्च दिया होगा कहीं, या कहीं लगा दिया होगा, और अब फरार हो गया। मैडम फोन टेपिंग टीम वैशाली सिन्हा के साथ है, अभी तक फिरौती के लिए कोई कॉल नहीं आया। फोन पे नहीं, कोई खुद मांग लेकर जा सकता है, घर पे नजर रखो। सर राकेश सिन्हा के फोन रिकॉर्ड्स, उसका फोन स्विच ऑफ हुआ था 7:30 बजे। लोकेशन? उसका ऑफिस। वो ऑफिस में था तब से कि मैं झूठ बोल रहा हूँ? मैंने एक पैसे का झूठ नहीं बोला है सर, मैं कभी झूठ नहीं बोलता, और झूठ बोलता तो आज बड़ा आदमी बन गया होता मैं। अभी मैं जाऊँ, मेरा सर फट रहा है। ठीक है जाओ। मैंने स्वसंत के पीछे एक आदमी लगाया है और उसकी CDR मंगवाई। स्वाति, इस राकेश के बाकी 4 एम्प्लॉई, राजू माने, शैलेश कोटियन, असलम दलवाई और मैनेजर बॉबी पिंटू, इन्होंने जो स्टेटमेंट दिया था वो वेरीफाई किया? जी सर, लेकिन शक करने लायक कुछ नहीं निकला।
मैंने सबकी सीडीआर मंगवाई। अकाउंटेंट वसंत प्रधान को लगता है कि लेनदारों से बचने के लिए ये राकेश भाग गया होगा। सर ऐसा भी क्या लोन जिसके लिए वो अपनी फैक्ट्री वाइफ घर सब छोड़कर भाग जाएगा? लोन नहीं तो लव अफेयर होगा, और लव में वैसे भी लॉजिक की कोई गुंजाइश होती कहां है। प्यार में तो लोग भागते हैं, भगाते हैं, मरते हैं, मार देते हैं, फिर उसी को प्यार भी कहते हैं। सर वो अपना रूम। अफेयर मेरे हस्बैंड का? तुम्हें कभी शक हुआ था? वो वैसे है ही नहीं, बस अपना काम और घर। इनफैक्ट हमारे रिश्ते में भी सब कुछ ठीक था। शादी को कितने साल हो गए? जी ये छठा साल है। आप मुंबई से ही हो? नहीं हम असल में पटना से। मुंबई कब आए थे? बस एक ही साल हुआ। पटना में क्या बिजनेस था? यही सेम बिजनेस था। तो फिर पटना क्यों छोड़ा? मैडम राकेश हमेशा से मुंबई आना चाहते थे, उनके बड़े अरमान थे। वहाँ शादी से पहले राकेश की कोई गर्लफ्रेंड थी? मैंने कभी पूछा नहीं, उन्होंने कभी बताया नहीं, पर मैं ये दावे के साथ कह सकती हूँ कि ना उनका कोई अफेयर था और ना है। हो सकता है राकेश ने किसी को छोड़ा हो और उसने ये बदला लिया। उठाए मैडम और उसे बातों में लगा के रखिए। हेलो सुमित बोल रहा हूँ। कौन सुमित? कौन हो आप और मेरे पति कहाँ हैं? हेलो हेलो हेलमेट निकालो, लाइसेंस दिखा। बाइक किसकी है? ए? मेरे दादू की। अच्छा दादा के नाम पे मुझे मामा बना रहा है। चल नीचे उतर, चल जा भी निकाल। ए, 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 ए। कंट्रोल रूम रेड अलर्ट वाली मोटर बाइक नंबर MH XX 342A थाने गुरुजी रोड की तरफ गई है। साहब हमारा ओमकार चोर नहीं है, वो सब कुछ सच सच बता देगा। ओमकार बोल। नहीं दादू मैं एक तरफ से चोर ही हूँ। अरे क्या बोल रहे तू? सर वो भाई काफी देर से वही के वही खड़ी थी खाड़ी के पास, और उसमें चाबी भी लगी थी। मुझे तो उसे पहली बार देखकर लव हो गया था, और उसके आसपास कोई था भी नहीं। मैडम मैडम मेरे पोते को माफ कर दीजिए, मेरा और कोई सहारा नहीं है। एक्चुअली मैम मैं दो तीन दिन चलाकर यही छोड़ने वाला था, वापस रख तो नहीं सकता था मैम। मैम प्लीज सॉरी। तो फिर ली क्यों तूने? तू आगे जाके जॉब करके लोन पे बाइक ले सकता था। उसमें टाइम लगता है ना मैम, और मुझे घाई थी। सर को बोल के छोड़ दो ना मैम प्लीज। सर स्वाति अकाउंटेंट वसंत का कहना है कि उसके सेठ राकेश ने मार्केट से पैसे उठाए होंगे। मुझे लगता है टेंशन में आके बाइक वहां खड़ी कर यहां से कूद गया हो। सर ड्राइवर्स को काम पे लगा देते हैं। और पटना पुलिस फोन करके पता करो कि इस आदमी की माली हालत क्या थी। हो सकता है एक साल पहले कर्जदार से बचने के लिए मुंबई शिफ्ट हुआ हो। जी सर मैं आज ही बात करती हूँ पटना पुलिस से। सर इस लड़के का क्या करें? माइनर है, सॉरी बोल रहे, दादाजी का, इसके अलावा और कोई नहीं है। 17 वर्षीय ओमकार कदम को पुलिस ने वार्निंग देकर और अंडरटेकिंग लेकर जाने दिया, लेकिन केस खत्म होने तक उस पर नजर रखने के ऑर्डर्स भी दिए गए। दूसरी तरफ पटना से राकेश के अतीत से जुड़े कई सुराग मिलने वाले थे जो कि इस केस की नींव थे, और तीसरी ओर पुलिस के डाइवर्स के हाथ कुछ ऐसा लगने वाला था जो इस केस को एक नई दिशा देने वाला था। लेकिन अहम सवाल अब भी यही था कि क्या राकेश सिन्हा ने वाकई में आत्महत्या की थी। सर हेलमेट मिला है और बैग, उस बैग के अंदर मोबाइल। सर लास्ट बह गई होगी, हो सकता है किसी के किनारे पर मिल जाए। मुंबई पालघर और कोकण कोस्टल पुलिस को इन्फॉर्म करो, और वैशाली सिन्हा को बुलाकर इन चीजों की शिनाख्त करवा लो।
अरे असलम भाई, क्या हुआ असलम भाई, आग हो गए? कुछ नहीं, कुछ नहीं। देखो बॉबी, राकेश की पत्नी मिसेस सिन्हा भी मेरे चेक पे साइन कर सकती है। ये है मेरा पूरा हिसाब और मुझे आज ही चेक चाहिए। सवाल ही नहीं उठता वसंत जी, इतनी खुदगर्जी भी ठीक नहीं। अरे राकेश साहब गायब है, इतनी टेंशन है और आप... अरे टेंशन को लिखो लेजर में और किधर समंदर में जाके फेंक दो, क्योंकि राकेश तो अब लौट नहीं सेरा। क्या आप फालतू बातें कर रहे हो वसंत जी? अरे अच्छा नहीं बोल सकते तो कम से कम मनहूस बात तो मत करो। क्या हुआ, कुछ कहना चाहते हैं? ओमकार, मैं तेरे बाप का भी बाप, मुझे मालूम है तू कुछ कहना चाहता है, कुछ छुपा रहा है मुझसे। पुलिस ने बड़ी मुश्किल से माफी दी, बोल क्या बात है? मैं जरा बाहर घूमने जा रहा हूँ, स्कूटर ले जाऊं? हाँ ले जा। देखो ओमकार, तूने गलती की, उसकी माफी भी मिल गई, लेकिन जिंदगी भर ऐसा कोई काम नहीं करना जिसके वजह से तेरे मरे हुए माँ बाप को ठेस पहुंचे और मेरी सारी मेहनत जाया हो जाए। राकेश ने सुसाइड किया? कंफर्म नहीं है पर इस वक्त इसी चीज की संभावना काफी है। पर क्यों? और उनके बॉडी? देखिए बॉडी आज कल परसों शायद हफ्ते भर में मिल भी जाएगी, लेकिन हमारे लिए ये जानना जरूरी है कि राकेश ने आत्महत्या क्यों की, ऐसी कौन सी मजबूरी थी, और आपको उसके लिए हमें कॉपरेट करना पड़ेगा। क्या उन्होंने मार्केट से बहुत बड़ी रकम उठाई थी? ऐसा कुछ नहीं था सर, मैं आपको बता चुकी हूँ, सब सही चल रहा था। और अब ये सब? आप श्योर हैं ये सब सामान आपके पति राकेश का ही है? जी मैम, मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि मेरे पति सुसाइड कर सकते। मेरी बात सुनो, पहले मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो वैशाली, वैशाली मैनेजर बॉबी, वर्कर्स राजू, शैलेश और असलम और अकाउंटेंट वसंत, सबके सीडीआर आ गए, स्कैन किए गए, लेकिन शक करने लायक कुछ नहीं निकला। पटना पुलिस का क्या कहना है? सर उन्होंने राकेश के पटना वाले बैंक से बात की, बैंक स्टेटमेंट से पता चला है कि मुंबई आने से पहले राकेश का बैंक बैलेंस और इन्वेस्टमेंट काफी अच्छे थे, प्रॉपर्टी है, भारी इंश्योरेंस पॉलिसी है, और तो और जितने क्लाइंट्स उसके पटना में थे, जितनी कमाई थी, उसके आधे भी मुंबई में नहीं थे। पर्सनल इशू तो होगा ही होगा, आगे खबरियों का क्या रिपोर्ट है? अपने माँ बाप का इकलौता बेटा था राकेश, माँ बाप काफी पहले गुजर गए थे और रिलेटिव्स ऐसे कोई था नहीं। पटना में जहाँ वो रहता था वहाँ उसका कोई दोस्त पड़ोसी होगा ही होगा। सर जैसे यहाँ के पड़ोसियों ने बताया, कुछ थे दोनों एक साथ वगैरह, वहाँ के पड़ोसी ने भी यही कहा सिवाय एक बूढ़ी औरत के। ये बताओ तुम जानना क्यों चाहती हो? ऐसे ही मौसी, मुझे सब पता है, अखबार में भी पढ़ती हूँ। वो राकेश सिन्हा गायब हो गया ना? जब वो दोनों आपके किराएदार थे, राकेश और उसकी पत्नी वैशाली। हाँ राकेश और वैशाली, उन दोनों के बीच कुछ माजरा था क्या? मतलब अचानक से बसा बसाया घर और बिजनेस छोड़ के मुंबई क्यों चले गए? वो छुपा नहीं, मुझे एक अरसे से शक था कि दाल में कुछ काला है। लोग कहते हैं कि बुढ़ापे में आंखें और कान कमजोर हो जाते हैं, लेकिन मेरे साथ तो उल्टा ही हो गया था। नमस्ते काकी। जीते रहो बेटा, किराया देने आया था। आओ अंदर आओ। लीजिए काकी, गिन लीजिए। काकी आपसे एक बात करनी थी मुझे।
हमें भी तुमसे एक बात करनी है, लेकिन पहले तुम बोलो। खुद का मकान बनाना चाहता हूँ, सोचा एक बार आपसे पूछ लेता हूँ, क्या आप अपना मकान हमें बेचेंगे? बेटा तुम मेरा मकान खरीदना चाहते हो, लेकिन तुम्हारा घर बिक चुका है। क्या? तुम्हारे घर में आग लगी हुई है, पहले जाके उसे बुझाओ। मैं जानती हूँ कि तुम्हें सब कुछ पता है, लेकिन तुम चुप हो। मैं भी सब कुछ जानती हूँ, लेकिन तुम्हारी भलाई के लिए मैं भी चुप हूँ। लेकिन जानते हो, जब ये सारी बात मोहल्ले में लोगों को पता चलेगी तो क्या होगा? उस लड़के का तो कुछ नहीं जाएगा, वो तो भाग जाएगा, लेकिन मुंह तुम्हारा काला होगा। हमसे बच के नहीं जा सकता साले। सर मैंने नहीं मारा राकेश भाई को। कैसे मारा और लाश कहाँ ठिकाने लगा दी? अरे सर मैं कह रहा हूँ मैंने नहीं मारा राकेश भाई को। ये तुम्हारे अकेले का काम तो हो नहीं सकता सुमित, किसने साथ दिया था तुम्हारा? फैक्ट्री से कोई था या पेशेवर हथियारा था? सर मेरा यकीन कीजिए, मैं आपको कह रहा हूँ मैंने नहीं मारा राकेश भाई। कैसे मारा और क्यों मारा वो बताओ। हाँ अफेयर हुआ था सुमित के साथ। हुआ था या अभी भी चल रहा है? तुमने और सुमित ने मिलकर राकेश को ठिकाने लगा दिया? नहीं मैम, मैं तो सुमित को पूरी तरह से भुला चुकी थी। पटना में बैठे मैं विशाली को बुला नहीं पा रहा था, दम घुट रहा था मेरा, ऐसा लग रहा था जैसे जैसे किसी ने मुझे पिंजरे में बंद कर दिया। मिले कैसे थे उसे और राकेश को कैसे जाना? मैं वो पटना वाली फैक्ट्री में उनका असिस्टेंट था। प्रणाम भाभी, वो भैया ने फाइल मंगाई है इनकम टैक्स पर। अंदर आओ। कोई मेहमान आ रहे? सिर्फ तुम्हारे लिए बनाए हैं। हमारे बीच में पहले दिन से एक आकर्षण। मेरे साथ भाग चलोगे? कहाँ? जॉगिंग? आजाद करो मुझे इस पिंजरे से। कौन सा पिंजरा? अरे सब कुछ तो है तुम्हारे पास। सब कुछ होकर भी मेरे पास कुछ नहीं था, पर मुझे पता था कि सुमित ये बात कभी नहीं समझेगा। वो अफेयर बस जरूरत से निकली, मेरी ये गलती थी। ऐसे क्या जरूरत आ पड़ी कि तुमने अफेयर किया? क्या था ये पिंजरा? कम से कम मेरी तरफ देखो तो सही राकेश, ऐसे पीठ दिखाने से तो प्रॉब्लम हल नहीं होगी ना। कौन सी प्रॉब्लम है शाली? कौन सी प्रॉब्लम? यही कि मैं तुमसे दिल से प्यार करता हूँ, दिन रात हमारे भविष्य के लिए मेहनत करता रहता हूँ। शाली ठीक है ना, बच्चा नहीं हो रहा है तो एक दो साल में हो जाएगा। बात सिर्फ बच्चा होने ना होने की नहीं है, वो अलग मसला है। मसला है इस बेडरूम का, जो तुम्हारी और मेरी दोनों की खुशी के लिए बना है। 4 साल से कह रही हूँ राकेश, डॉक्टर के पास चलते बात करते हैं किसी से। वैशाली तुम्हें क्या बात करनी है किसी डॉक्टर से? क्या कहना है किसी को? यही कि हम दोनों के बीच में संबंध बेहतर कैसे कर सकते हैं, कैसे खुश रह सकते हैं, एक दूसरे को सैटिस्फाई कैसे कर सकते हैं। वैशाली मैं सैटिस्फाई हूँ, तुम्हें क्या चाहिए मुझे समझ में नहीं आ रहा है। तुम हमारी प्राइवेट जिंदगी की दुनिया में नुमाइश क्यों करना चाहती हो? कौन सी प्राइवेट जिंदगी? हाँ कौन सी प्राइवेट जिंदगी? एक झूठ ही जी रहे थे हम, एक झूठ जो राकेश ने खुद को बोल रखा था कि सब कुछ सही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखो जो हुआ सो हुआ, मैं इसे तुम्हारी गलती समझकर माफ करने के लिए तैयार हूँ। मुझे माफी नहीं राकेश, डिवोर्स चाहिए। मैंने मुंबई में सारी सेटिंग कर ली है, अगले हफ्ते मुंबई निकल रहे हैं। मुझे मुंबई नहीं जाना, वहाँ कौन है हमारा? तभी तो मुंबई जा रहे हैं क्योंकि वहाँ हमारा कोई नहीं है, वहाँ हमारे बारे में किसी को कुछ पता नहीं होगा। लेकिन हमें तो पता होगा हमारे बारे में, उसे खुद से कब तक छुपाते रहेंगे राकेश? क्रेडिट कार्ड है तुम्हारे पास, जितनी भी शॉपिंग करनी है दिल खोल के कर लो, जिससे भी मिलना है एक आखिरी बार मिलो। और मैं वो आखिरी बार भी सुमित से नहीं मिली, और अब राकेश गायब क्या हो गया? ये सुमित अचानक से पूरे 1 साल बाद याद धमक गया है। वैशाली ने बोला था मुझसे कि राकेश भाई हमारे बारे में सब कुछ जानते हैं, लेकिन उन्होंने कभी सामने से मुझे कुछ नहीं पूछा और ना ही नौकरी से निकाला। मुझे थोड़ा बुरा भी लगता था, लेकिन अफेयर जारी रखा। मेरी तरफ से तो कभी खत्म ही नहीं हुआ था सर, लेकिन वैशाली ने उसके बाद मुझे कभी कॉन्टेक्ट नहीं किया। उसके बावजूद तुम यहाँ मुंबई में आ गए और फिर दोनों ने मिलकर राकेश को मार डाला। नहीं सर बिल्कुल नहीं, जब मैंने अखबार में पढ़ा कि राकेश भाई गायब हो गए हैं, शायद सुसाइड हुआ हो, मर्डर हुआ, मुझे लगा मुझे विशाली के साथ होना चाहिए, शायद फिर से हमारा रिश्ता जुड़ जाए। मैम ऐसा कुछ था ही नहीं हमारे बीच, बस 4-6 दफा फिजिकल संबंध हुए थे, मेरी गलती थी। मैंने डिवोर्स मांगा, राकेश ने दिया नहीं। मैंने समझौता कर लिया था अपने तकदीर के साथ, कबूल कर लिया था कि मुझे शायद इस जिंदगी में वो शारीरिक सुख नसीब नहीं होगा,
वैशाली, क्या तुम्हें ऐसे लगता है कि तुम्हारे सुमित वाले अफेयर की वजह से राकेश को अपनी कमियों का ज्यादा एहसास हुआ हो और उसने आत्महत्या कर ली हो? अगर ऐसा होता तो वो कभी तो जताते, कुछ तो बोलते, पर ऐसा कभी नहीं हुआ और वो आत्महत्या करने वाले आदमी नहीं है। तो फिर सुमित ने राकेश का कत्ल कर दिया हो? माना मैं उसके लिए यहाँ चला आया, उसे कभी बुला नहीं पाया, लेकिन मैं इतना गया गुजरा इंसान भी नहीं हूँ कि किसी का कत्ल करने का सोचूं। सर, राकेश भाई के गायब होने में मेरा कोई हाथ नहीं है। तुम्हारा हाथ है या और हाथों ने तुम्हारा हाथ बटाया था, ये तो बहुत जल्द पता चल ही जाएगा सुमित। ओमकार, ओमकार, क्या हुआ? इतना वक्त क्यों लगा दरवाजा खोलने में? अरे पसीना क्यों आया? वो एक्सरसाइज कर रहा था ना, मैंने खाना गर्म करके खा लिया है, दोस्तों से मिल के आता हूँ जरा। इस वक्त? हाँ, वो कल टेस्ट है ना, तो तैयारी करनी है। मैंने पटना पुलिस से कंफर्म किया, सुमित 4 अक्टूबर को पटना में ही था। एक्चुअली स्वाति, मुझे तुम्हारे लॉजिक में दम लगता है। भले इस राकेश ने सुमित और वैशाली के अफेयर को माफ करने की बात की हो, लेकिन ये राकेश अंदर ही अंदर घुट रहा होगा, अपने सेक्सुअल प्रॉब्लम को लेकर डिप्रेस हुआ हो और कूद गया हो। सर, दरअसल मैं अपनी थ्योरी को डाउट कर रही हूँ। मैं सोच रही थी कि शायद ये वैशाली झूठ बोल रही हो, वैशाली और सुमित ने मिलकर ही राकेश को मार डाला हो, इसलिए मैंने दोनों की सीडीआर मंगवाई। शायद ये सुमित ने पटना से कत्ल करवाया होगा। सर, सर लड़का आया है, बाइक चोर ओमकार कदम। किसका नाम क्या नहीं है? मेरा है सर। इस पर खून किसका है और ये हमें क्यों दिखा रहे हो? वो मैंने आप लोग को बाइक के बारे में पूरी बात नहीं बताई थी, एक बात छुपाई थी। इतनी इम्पोर्टेंट बात तुमने हमसे छुपाई क्यों? वो मुझे लगा कि आप लोग मुझ पर शक करेंगे। तो अब तुम्हें अचानक ऐसे क्यों लगा कि हम तुम पर शक नहीं करेंगे? आप लोग ने मुझ पर भरोसा किया, मुझे जाने दिया, और दादू भी बोले कि मुझे आप लोग ने एक चांस दिया है, इसलिए मुझे लगा इससे आपकी हेल्प हो जाएगी। शायद उस आदमी ने सुसाइड नहीं किया, उसका मर्डर हुआ। हेलो, हाँ कामरे, तुरंत सर्च पार्टी भेजो। ओमकार, तुम जरा बाहर बैठो। जी सर। राकेश का लोडर असलम दलवाई आज दिन भर से घर से नहीं निकला, और जब नजर रखने वाले बंदे दरवाजा तोड़कर अंदर गए तो घर पे कोई नहीं था और पीछे की खिड़की खुली थी। स्वाति, इसे फॉरेंसिक लैब भेज दो और उस असलम को अपनी कस्टडी में ले लो। अरे मुझे मेरे पैसे कम मिल रहे हैं। ये लगभग साबित हो चुका था कि राकेश सिन्हा का कत्ल किया गया था, लेकिन ये कत्ल किया क्यों गया, इसके पीछे का मकसद क्या था, इसके पीछे आखिर था कौन, इन सवालों के जवाब मिलने अभी बाकी थे। इस कत्ल की हकीकत सामने आने के लिए असलम दलवाई का हाथ लगना जरूरी था। असलम भाई? नहीं नहीं मैडम, एकदम गाय आदमी है, वो क्यों सर का मर्डर करेगा? और असलम भाई का कभी किसी के साथ पंगा नहीं हुआ है मैडम, जरूर आपको कोई गलत फहमी हुई। तो फिर ये असलम फरार क्यों हुआ? फोन भी स्विच ऑफ है, उसे पता चल गया था कि हम उस तक बहुत जल्द पहुंचने वाले, इसलिए मौका देखते ही भाग गया। कोई ऐसी जगह पता है जहां वो छुप सकता है? हाँ, उसके गांव का एड्रेस है हमारे पास। हमने पता किया, वो वहां नहीं है। सर, सुमित और वैशाली के बीच पूरे एक साल कोई कांटेक्ट नहीं रहा, सिवाय 3 दिन पहले जब सुमित ने वैशाली को कॉल करना शुरू किया, जो कि उसने कबूल किया,
दोनों की कॉल लिस्ट में ऐसा कोई नंबर भी नहीं जिससे उन पर शक जाए। लेकिन एक गौर करने वाली बात है, हाल ही में अकाउंटेंट वसंत प्रधान की तरफ से वैशाली को कई कॉल्स किए गए। मेरी मेहनत की कमाई है सर, और मुझे इस वक्त उसकी सख्त जरूरत है। मैंने बॉबी को बोला था कि वैशाली ऑथराइज है मेरे चेक को साइन करने के लिए, लेकिन बॉबी ने बोला पहले राकेश को मिल जाने दो। अरे मेरे को मेरे पैसे की अभी जरूरत है, इसलिए मैं लगातार वैशाली को फोन कर रहा था। बोलिए क्या गुनाह किया मैंने? अकाउंटेंट वसंत प्रधान के खिलाफ कोई ठोस सबूत नहीं था, लेकिन यह भी सच था कि 4 अक्टूबर की सुबह सिर्फ एक वही था जिसने राकेश को ऑफिस में देखा था, जिसके बाद राकेश गायब हुआ। पर क्या सच में वसंत ही था जिसने आखिर में राकेश को फैक्ट्री में देखा था? आखिरकार पुलिस को एक ब्रेक थ्रू मिला, अब असलम भी पकड़ा गया था, उससे पुलिस को आगे की एक स्ट्रॉन्ग लीड मिली, केस क्लोज होने वाला था, मुजरिम तक पहुंच पक्की होती गई। इस जुर्म का अतीत से रिश्ता जरूर था, एक आदत से, एक फितरत से जो बदलने का नाम नहीं ले रही थी। असलम, अब तू खुद बोलेगा या खातिरदार करी थी? मैंने कुछ नहीं किया। मैंने तो छुप क्यों रहा था तू? मैं डर गया था, मुझे सच में नहीं पता कि उस सुबह कुछ ऐसा होने वाला था। असलम, अब तू खुद बोलेगा या खातिरदार करी थी? मैंने कुछ नहीं किया। मैंने तो छुप क्यों रहा था तू? मैं डर गया था, मुझे सच में नहीं पता कि उस सुबह कुछ ऐसा होने वाला था। अभी हमारी 5वीं एनिवर्सरी के लिए आपने ज्वेलरी बनाई, साड़ियां भी खरीदी। तुम ये बताओ, ये सोने का हार तुम्हें पसंद तो आया ना? सच कहूं तो नहीं राकेश, मुझे ये सोने का हार नहीं पहनना, मुझे बस इस सोने के पिंजरे से आजाद होना है। फिर से बोल रही हो राकेश, मुझे डिवोर्स चाहिए। पिछले साल जब तुमने सुमित के साथ अफेयर किया था तब भी तुमने डिवोर्स की रेट लगा रखी थी, इस बार फिर से अफेयर शुरू किया? नहीं राकेश, मैं तो उसके कांटेक्ट में भी नहीं हूँ। मैं सुमित की बात नहीं कर रहा हूँ वैशाली, इस बार मैंने खुद अपनी आंखों से देखा। वैशाली, मैं बॉम्बे साइड जा रहा हूँ, 2 पार्टीज की मीटिंग है, देर रात लौटूंगा। ठीक है। बुरी आदत जाती नहीं है ना तुम्हारी? जिसे तुम बुरी आदत कह रहे हो ना राकेश, वो हर इंसान की जरूरत है, पर तुम्हारी समझ के परे। सब समझते, पर तुम ये नहीं समझते हो कि आदमी बस एक खुशी नहीं दे पा रहा तुम्हें, बदले में हर तरह की खुशियां देता है तुम्हें। तुम्हारे नाम की FD, जमीन, कंपनी में पार्टनरशिप, हर तरफ तुम्हारा नाम लिखवाता हूं मैं, ताड़ियां लेके देता हूं, जेवर लेके देता हूं, सब तो लेके देता हूं तुम्हें, लेकिन नहीं, तुम्हें तो बस जानवर की तरह बिस्तर। एक बात बताओ, अगर तुम्हें भूख लगी हो और मैं तुम्हारे लिए गाना गाऊं तो, या घर सजाओ तो, या खुद सज सज कर तुम्हारे पैर दबाओ तो, इससे तुम्हारे पेट की भूख मिटेगी? विशाली, दुनिया में से कई जोड़े हैं जो बिना एक दूसरे के साथ शारीरिक संबंध बनाए खुश रहते हैं। वो लाखों जोड़े आके तुम्हें खुद बताया या तुम गए थे उनके बेडरूम्स में देखने? विशाली, मैं दूसरी बार भी तुम्हें माफ करने के, प्लीज प्लीज माफी शब्द का इस्तेमाल भी मत करना तुम। और एक बात और सुन, ये जो बार बार तुम जेवर साड़ी की बातें करते हो ना, तो मुझे घिन आती है। इसलिए नहीं कि तुम इन सबसे मेरी बेडरूम की नाखुशी को खरीदना चाहते हो, बल्कि इसलिए क्योंकि ये अपने आप में भद्दे है, मेरी पसंद के ही नहीं है, जरा भी नहीं। तुम सब कुछ सिर्फ और सिर्फ अपनी पसंद से लाते हो। कभी मेरी पसंद नापसंद जाने की कोशिश की तुमने? बस अपने लोगों में अपना नाम रोशन करवाना चाहते हो। समाज में भले ही लोग तुम्हें किसी हीरो का खिताब देते होंगे, लेकिन मेरे लिए तुम सिर्फ एक जीरो हो। मैं तुम्हारे नाम के आगे से सारे जीरो काट देता हूँ, एक तमड़ी भी नहीं दूंगा तुम्हें। इंश्योरेंस से लेकर प्रॉपर्टी से लेकर हर जगह से तुम्हारा नाम मिटा देता हूँ, फिर तलाक दूंगा तुम्हें, उसके बाद ये वीडियो ऑनलाइन डाल दूंगा ताकि हर कोई इसका मजा ले पाए, तुम्हारे माँ बाबा, भाई बहन सब, और तुम्हारे प्रेमी की पत्नी, सबकी फैमिली, सबके सब। कुछ दिनों तक राकेश और वैशाली के बीच भारी तनाव रहा। नहीं, तुम कल सुबह 7 बजे ऑफिस में मिला मुझे, कोई अगर वगैरह नहीं सुनूंगा। क्या हुआ, सब ठीक तो है ना? सुबह 7 बजे ऑफिस के लिए निकलूंगा मैं। और आखिरकार वो दिन आ ही गया जब इस साजिश को अंजाम दिया जाने वाला। वो कल सुबह ऑफिस 7 बजे आने वाला है, इससे अच्छा दिन नहीं मिलेगा। निकल गया।
ऐसा मैंने पहले कभी कुछ नहीं किया। ऐसा कुछ मतलब मर्डर? नहीं सर, मतलब वो अफेयर सर। सर मेरा फर्स्ट टाइम था सर। राकेश उस दिन एक नई डील के लिए शहर के बाहर गए थे, तो मुझे उन्होंने घर से एक फाइल मंगवाने के लिए कहा था। क्लाइंट का डील क्लोजर था, अर्जेंट था। उसे पता चल गया बॉबी। क्या? कभी? काफी दिन हो गए। फिर उसने अभी तक मुझे कुछ बोला क्यों नहीं? वो उसका स्टाइल नहीं है। जो बोलना है मुझे बोल गया है। क्या बोला? यही कि डिवोर्स देने को तैयार है। डिवोर्स? वैशाली मैं शादीशुदा हूँ, मतलब बच्चा ऑन द वे है। तुमसे शादी करने की बात नहीं कर रहा। मैं खुद ऐसा डिवोर्स नहीं चाहती जहाँ वो सारी प्रॉपर्टी इंश्योरेंस कंपनी हर जगह से मेरा नाम निकाल, और ना सिर्फ मुझे रास्ते पर लाए पर तुम्हें भी रास्ते पर लाए। मुझे? उसने बेडरूम में कैमरा छुपाया था बॉबी, कह रहा है वायरल कर देगा। तुम्हारी शक्ल, मेरी शक्ल, सब कुछ काफी साफ नजर आ रहा है। अब कुछ नहीं, बस राकेश को मार डालना होगा। क्यों जोक कर रही हो वैशाली? सीरियसली बोलो ना, क्या करना है? मैं मेरी जिंदगी के बारे में कभी जोक नहीं करती बॉबी। हम उसे मार डालेंगे। कंपनी के 50% पार्टनरशिप तुम्हें दूंगी और हमारी बेडरूम की पार्टनरशिप जारी रहेगी जब तक दोनों में से कोई बोर ना हो जाए। ये घर पटना वाला घर, इंश्योरेंस का पैसा और बैंक में जो कुछ भी है सब कुछ तुम्हें मिलेगा ना? अब आए ना लाइन पर। सारे पैसों का 20% तुम्हें दूंगी। अब बोलो कब और कैसे करना? आज दुनिया से भी जाएगा, सब कुछ तैयार है। हम लोग फोन या एसएमएस पर कभी बात नहीं करते थे, सिर्फ सोशल नेटवर्क पर या मैसेंजर पर, इसलिए आप लोगों की नजर में कभी नहीं आए। मुझे या वैशाली को पता नहीं था कि राकेश ने अकाउंटेंट वसंत जी को ही बुलाया था मीटिंग के लिए। मेरा प्लान यही था कि उस मीटिंग से पहले ही राकेश को खत्म कर दूं, लेकिन वसंत जी जल्दी ही पहुंच गए। राकेश सर ने खुद एक रात पहले फोन किया था। किस बारे में? जी सर। असलम, कल 7:30 बजे आ जाना ऑफिस। जी सर। सर वो किस लिए सर? हमारा काम बढ़ाने का सोच रहा हूँ। पूरा गाला मैनेज कर सकोगे बतौर मैनेजर? जी सर, आराम से सर। किस लिए गया था मैं वहाँ, कितने अरमान लेकर, और क्या देखता, और क्या किया मैंने, इतना बड़ा गुनाह। सुन, मुझे नहीं सुनना, साहब ने तुझे यहाँ क्यों बुलाया? इस कांड के बारे में किसी से चूँ मत करना। अगर तूने इसके बारे में किसी को बताया ना, तो गांव में तेरे बीवी बच्चे तेरे परिवार को काट देंगे। पुलिस भी शामिल है इसमें। मुझे बस घर जाने दीजिए, मैं यही कहूंगा कि मैं जल्दी आया ही नहीं। वो तो पुलिस वालों को बताना ही होगा। और तू इस वक्त एक काम कर, मेरे साथ ऊपर सेप्टिक टैंक पर चल, ताकि सर की बॉडी को ठिकाने लगाना है और एक खून भी साफ करना है। देख, ये कांड शांत होने तक किसी को कुछ, जैसे ये कांड शांत हो जाएगा ना, मैं तेरे को मैनेजर बनाऊंगा पक्का। चला। मैंने डर के मारे आप लोगों को भी झूठ बोला कि राकेश सर आए ही नहीं,
जबकि आए थे। बॉबी ने उन्हें मार भी दिया। बॉबी, लाश अब भी वही है सेप्टिक टैंक में। बैग, मोबाइल और हेलमेट नदी में किसने फेंका? बॉबी पिंटो और वैशाली सिन्हा पर हत्या करने और असलम दलवाई पर हत्या में षड्यंत्र करने के आरोप लगे। उनके खिलाफ चार्जशीट फाइल हो चुकी। एक बंधन से मुक्त होने के लिए हत्या का सहारा लेने वाली वैशाली सिन्हा अब अपने जुर्म के पिंजरे में हमेशा के लिए कैद होकर रह गई। फोरेंसिक रिपोर्ट से प्रूव हो गया ओमकार के नैपकिन पर मिले खून के ट्रेसेस वाकई में राकेश के ही थे। फोरेंसिक ये भी साबित कर पाई कि बाइक पर भी वही ट्रेसेस हैं और साथ ही बॉबी की उंगलियों के निशान भी मैच कर लिए गए। इस केस में सभी शामिल लोग, पीड़ित, आरोपी, संदिग्धों ने अपने आप को एक पिंजरे में जकड़ा हुआ पाया। पर ये पिंजरा हकीकत नहीं थी। सच तो ये था कि ये पिंजरा दरअसल इन्हीं सब का एक मानसिक दृष्टिकोण था, एक सोच थी जिसे वो बदल नहीं पाए, उसके शिकंजे से निकल नहीं पाए। आरोपी वैशाली की शारीरिक संतुष्टि की याचना बिल्कुल जायज शिकायत थी। हर इंसान को अपने तरीके से जीने का पूरा हक है। पर उसने अफेयर से राहत पाने की कोशिश की और फिर अपने पति की हत्या को अपने पिंजरे की चाबी बनाया। और वजह सिर्फ यही नहीं थी, वैशाली रिहाई के साथ सोने का पिंजरा भी चाहती थी और वो पिंजरा था राकेश की संपत्ति। और इसी के कारण वैशाली के साथ किसी भी किस्म की नैतिक सहानुभूति रखने की कोई गुंजाइश नहीं बनती। दूसरी तरफ राकेश ने खुद अपने आप को एक झूठ के पिंजरे में कैद किया हुआ था। सच जानते हुए भी वो इस भ्रम में जीना चाहता था कि दुनिया की हर खुशी पैसे से खरीदी जा सकती है। उसने अपनी पत्नी की जरूरतों को नजरअंदाज करके और फिर उसे ब्लैकमेल करके एक ऐसा रास्ता अपनाया जहां हर कदम पर जुर्म का साया दस्तक दे रहा था। सही समय पर सही कदम उठाने से इन सब की जिंदगी इस तरह उलझने से बच सकती थी, कई जानें बच सकती थी, जिंदगियां पिंजरों की कैद से रिहा हो सकती थी। और ऐसा होना तभी संभव है जब इंसान अपनी सोच, अपने दृष्टिकोण को बदले, खुद इस पिंजरे से बाहर निकलने की कोशिश करे, क्योंकि इस पिंजरे की चाबी हर इंसान के अपने हाथ में ही होती है। अब मैं अनूप सोनी आपसे विदा लेता हूं। फिर मुलाकात होगी एक और नए केस के साथ। देखते रहें क्राइम पेट्रोल सतर्क सोमवार से शुक्रवार रात 11 बजे। और याद रखें, क्राइम और आपके बीच में सिर्फ इतना फर्क है कि आप कितने सतर्क हैं। सतर्क रहें, सुरक्षित रहें। जय हिंद।